ये कच्चा रास्ता है जी, ये DHA इस्लामाबाद फेज 6 है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लाटिंग हुई है। ये DHA 2 एक्सटेंशन रिवर व्यू ब्लॉक है, जो प्लॉट्स लैंड किंग गैस दिए गए थे बैरिया टाउन को। और ये यहाँ पे काम स्टार्ट है, रास्ता वगैरह बना रहे हैं। और ये अब कारपेटेड रोड शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं DHA इस्लामाबाद फेज 6। ये डेवलपमेंट हुई है, प्लॉट पोजीशन के लिए तैयार हैं, अन करीब इनका पोजीशन दे दिया जाएगा। ये राइट साइड पे मेरे ये कमर्शियल प्लॉट हैं DHA फेज 6 के, और ये लेफ्ट साइड पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। राइट साइड पे भी कुछ एरिया, ये DHA 2 एक्सटेंशन रिवर व्यू ब्लॉक का एरिया है, ये देख सकते हैं जी। ये प्रॉपर DHA वैली एक्सप्रेस वे पे हम जा रहे हैं। पानी, सीवरेज, लाइट, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। DHA फेज 6 पोजीशन के लिए तैयार है। ये फिर कुछ थोड़ा सा कच्चा ट्रैक है, और इसके बाद फिर कारपेटेड रोड। खूबसूरत व्यू है, थोड़ा सा कच्चा ट्रैक है, दोबारा कारपेटेड रोड पे हम एंटर हो गए। ये प्लाट भी पोजीशन के लिए तैयार है, पानी बिजली की सहूलतें मौजूद हैं। ये पानी वाली टंकी बन गई है, इसकी तैयार हो गई है, पानी वगैरह यहाँ पे, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स। फेस 2 एक्सटेंशन, ये ओल्ड फेस 2 एक्सटेंशन और नया फेस 6, इसका नाम दिया गया DHA फेस 6 है। ये हम DHA फेस 6 के अंदर हैं, और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे DHA वैली है, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और DHA वैली एक्सप्रेसवे से मिलाएंगे इसको। तो आगे कुछ एरिया यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, फिर इससे आगे कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा। इसके बैक साइड पर डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से जारी है। ये हमारे सामने पड़ी नक्का गांव नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, जो ददोचा के साथ है, और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाती है। इससे आगे फिर ये कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, यहाँ से इसको अप्रोच देंगे। ये को थोड़ी सी डेवलपमेंट इन्होंने की है, ये को थोड़ी सी जगह तो इन्होंने सारी परचेज की हुई है, तो वो थोड़ा सा रास्ता है, इन्होंने कटिंग वगैरह की है। तो ये प्रॉपर एक्सप्रेसवे है, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, DHA वैली एक्सप्रेसवे। इससे आगे फिर DHA वैली का प्रोजेक्ट, ये सामने रबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट, थोड़ा सा इन्होंने काम किया था। ये बना दिया जी, ये देखें जी, ये कच्चा ट्रैक इन्होंने बना दिया है फेज 6 के लिए। रास्ता इन्होंने थोड़ा सा खोला है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। ये अभी इन दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अंदर, वो सामने देखें मशीनरी, बड़ी तेज़ी से मशीनरी लगी हुई है जो कनेक्ट कर रही है फेज 6 के साथ। ये देखें जी, ये देखें जी, ये रास्ता अभी, बड़ी गुड न्यूज़ है कि ये अभी कुछ दिनों में इन्होंने ये रास्ता ओपन किया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। वो देखें सामने बड़ी तेज़ी से मशीनरी लगी हुई है, ये देखें जी, ये रास्ता खोल रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से, इन्होंने थ्रू कर दिया है। गुड न्यूज़ है DHA वैली के लिए, ये आप देख सकते हैं जी DHA वैली कितनी तेज़ी से मशीनरी लगी हुई है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे। सीधा जी जी, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे अभी हम हाइट पे जाके आपको कुछ व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे साइड पे रोकते हैं ना, ये आप देख सकते हैं जी कितना तेजी से काम हो रहा है। सामने ब्लू बेल है? नहीं नहीं, ब्लू बेल नहीं है, ये ददोचा का नीचे, ये ददोचा कह रही है, ब्लू बेल उस साइड पे आएगा, वो सामने ब्लू बेल। ये डैम का काम, ये आप देख सकते हैं जी,
FWO की मशीनरी कितनी तेज़ी से काम हो रहा है बावजूद इसके गैस फ्राइडे है छुट्टी है लगा। तो ये छुट्टी होने की वजह से भी फिर भी उसके बावजूद ये कितना तेज़ी से देखें जी काम, ये मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कितना तेज़ी से काम हो रहा है। ये डैम का काम हो रहा है, डैम की मशीनरी लगी हुई है और एक्सप्रेसवे का काम ये आप देख सकते हैं। इन्होंने ये टेम्परेरी रास्ता बना दिया है, मज़ीद कुछ वीडियो मैं आगे आपसे शेयर करूँगा। ये देखें जी, ये इस्लामाबाद हाईवे से जो रास्ता नया बना है एक्सप्रेसवे, ये बड़ी नक्का गांव है, यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरेगी और वो सामने आपको मस्जिद जहाँ पे नज़र आ रही है ये ददोछा गांव है और ये सामने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाइट पे ये ब्लू बेल, ये ब्लू बेल ब्लॉक की डेवलपमेंट नज़र आ रही है मेन एक्सप्रेसवे से। ये देखें जी, ये ब्लू बेल की डेवलपमेंट है। ये हम ददोछा डैम, ददोछा गांव में हम खड़े हैं। ये साइड पे आप देख सकते हैं ये पड़ी नक्का गांव है और ये सरकारी रास्ता गुजर रहा है। ये साइड पे भी जगह डीएच ने एक्सप्रेसवे के लिए परचेस कर ली है, ये जगह सारी इनके पास ये मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। वो सामने ब्लू बेल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो सामने आपको नज़र आ रहा है डेवलपमेंट, ये ब्लू बेल ब्लॉक है सामने। यहाँ से अब कुछ देर बाद हम ब्लू बेल में तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे हम ब्लू बेल में चले जाएंगे। ये भी अभी कुछ नया काम इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का किया है, ये फेज 6 है 2 एक्सटेंशन इसका, तकरीबन नक्शे के हिसाब से ये बी ब्लॉक बनता है। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई है। ये तो दो छह गांव के साथ मिला रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं जी कितनी तेजी से काम हो रहा है। ये फेज 6 है, ये देख सकते हैं कितना तेजी से काम हो रहा है। ये फेज 6 ब्लॉक है और ये सामने दो छह गांव है और ये मेन एक्सप्रेसवे पहाड़ों से होती हुई। ये आप देख सकते हैं जी, ये यहाँ पे भी डेवलपमेंट काफी हुई है इस साइड पे नीचे। तो ये ब्रिज की जगह है जी, जो लोग सवाल करते हैं ये ब्रिज कहाँ पे आता है जो वैली और एक्सटेंशन को मिलाएगा, ये वो ब्रिज है जी, ये जगह है इस ब्रिज की। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये फेज 6 में खड़ा हूँ 2 एक्सटेंशन में और मेरे सामने ये ब्लू बेल नज़र आ रहा है। और ये इन्होंने कनेक्ट कर दिया आरजी तौर पे, ये आरजी तौर पे तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पे ब्रिज बनेगा और इसको ऊपर उठाया जाएगा, तकरीबन कोई 100-150 फुट ऊपर उठाया जाएगा। और इस पर भी काम जारी था लेकिन वो कोई DHA के मामला थे, काम रुका हुआ है अभी, लेकिन वो चीज़ें सारी उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं ब्रिज के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये नाला है बरसाती नाला जो बारिश का दरिया आपके, और ये साइड पे काम जारी है जोर शोर से, और ये ब्रिज की जगह है, ब्रिज की साइड ददोछा ब्रिज जो